हर आपराधिक मामले में दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दे सकते, सिर्फ उन्हीं केसों की दोबारा सुनवाई करवा सकते हैं जिनमें न्याय की हत्या यानी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुई हो। भागलपुर में दहेज हत्या के इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने दोबारा सुनवाई संबंधी पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में तीन आरोपियों की याचिका पर दोबारा विचार करने को कहा है। जस्टिस आर भानुमति ने कहा, अक्सर हाईकोर्ट हर उस आपराधिक मामले में रीट्रायल का आदेश देते हैं जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हो जाए, यह गलत है। ट्रायल सिर्फ तभी करवा सकते हैं जहां लगे कि सुनवाई अधिकार क्षेत्र के बाहर के किसी न्यायिक अधिकारी ने की है या निचली अदालत ने सबूत और गवाह की अनदेखी की हो। जांच की जिन कमियों से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ा वो दोबारा सुनवाई का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने पांच अधिकारियों की लापरवाही का हवाला तो दे दिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि न्याय की हत्या करने वाली यह खामियां कौन सी हैं। आरोपी की अपील पर हाईकोर्ट का कर्तव्य बनता है कि सबूतों के आधार पर खुद स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने फैसले में गलती की है, लेकिन हम हाईकोर्ट के 28 अगस्त साल 2015 के उस फैसले को रद्द करते हैं जिसमें दहेज हत्या के दोषियों के खिलाफ मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश जारी किया गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।